वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक पीओ की, सारे के लिए ये आपको सेशन बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक का। हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। ये है पार्ट 14 सेशन। मैं अगेन आपको बता दूं कि मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पर्पज से कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। 70 डेज कंप्लीट कोर्स सीरीज में आपको 9 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये 9 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करंटली गोइंग ऑन टॉपिक है जो चल रहा है। डेली आपको 5 वीडियो मिल रहे हैं। इस तरह से 70 × 5 यानी 350 प्लस वीडियो में आपका पूरा का पूरा कोर्स प्री और मेंस कंप्लीट होने वाला है। देखो, हमने स्टार्ट किया था 15 मई से सेशन स्टार्ट किया था और 70 डेज होता है 24 जुलाई को, तो 24 जुलाई तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लोगों को ये डाउट चल रहा है कि मतलब कि 70 डेज होने वाले हैं, 70 डेज होने वाले नहीं है। 15 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया था और अभी तक हमने 9 टॉपिक अर्थमेटिक की और 3 टॉपिक एडवांस मैथ की ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑलरेडी हम आधा सिलेबस अर्थमेटिक का, मतलब मैक्सिमम सिर्फ 2 टॉपिक और छूटे, 3 टॉपिक और रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज, बाकी सारा टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं अर्थमेटिक का, और इसके बाद हम करेंगे एडवांस मैथ। आप भी इस कोर्स को ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप 200 रुपये पे करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, अकाउंट नंबर मेंशन है उसके थ्रू भी पे आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस कोर्स में ज्वाइन कैसे होइएगा, आपको स्क्रीनशॉट क्या करना पड़ेगा, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूँगा, जहाँ पर आपको 5 वीडियो की लिंक मिलेगी डेली। सेकेंड, जो टॉपिक जैसे 9 टॉपिक अर्थमेटिक में और 3 टॉपिक एडवांस मैथ में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो ये टॉपिक्स आप सीक्वेंस वाइज एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। सेकेंड, आपको पीडीएफ जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ उसकी बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड, आपको डाउट ग्रुप भी है। डाउट ग्रुप का क्या बेनिफिट है कि आपको क्वेश्चन कोई भी, मान लो जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया उसमें डाउट आता है तो आप क्वेश्चन भी पुट आउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ऑलरेडी आपको 100+ स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये है देखो मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप लॉजिकल अप्रोच अपनाओगे तो क्वेश्चन रेशियो मेथड से तो बहुत आसानी से बना लोगे। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है वो चीज़ समझाता हूँ। इस टाइप में जो टाइप 14 है ना, टाइप 14 में मैं 4 वीडियो लिया हूँ, जिसमें से एक 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेंस का है और 3 क्वेश्चन आपको क्या है प्री का है। तो इस टाइप से हर एक वीडियो में 4 से 5 जितने टाइप पॉसिबल हो सकते हैं, किसी वीडियो में 6 क्वेश्चन भी कराया हूँ, किसी में 4 भी कराया हूँ, किसी में 5 कराया हूँ। तो मतलब जिस टाइप्स, उस टाइप में जितने क्वेश्चन आते हैं उसको मैं आपको करा देता हूँ, ताकि आपसे मेंस के भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो ये मेंस का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या करे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 600 किलोमीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जो कह रहा है उसको मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस क्या है ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। 600 क्या है, किलोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन पी स्टार्ट ही जर्नी एट पॉइंट ए एट 9 AM। कोई पर्सन है यहाँ से ही स्टार्ट करता है पी, कोई पर्सन पी है वो स्टार्ट करता है ए पॉइंट से 9 AM पे। एट 10 AM एनदर पर्सन क्यू, 9 AM पे ये है और एनदर पर्सन क्यू है इसी पॉइंट पे, वो क्या कर रहा है 10 AM पे स्टार्ट करता है अपनी जर्नी एट द सेम पॉइंट ए। वही क्वेश्चन कर रहा है, यहीं से स्टार्ट कर रहा है। एट 11 AM क्यू रीचेज एट द पॉइंट सी। 11 AM पे क्यू क्या पहुंच रहा है, सी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, बट फाउंड दैट पी हैज ऑलरेडी क्रॉस द पॉइंट सी 40 मिनट बिफोर। जब वो क्यू जो है सी पॉइंट पे पहुंचता है तो वह पाता है कि वहां पे तो पी जो है 40 मिनट पहले ही उसको क्रॉस कर चुका था उस पॉइंट को। पॉइंट सी इज बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट सी क्या है, ए और बी के क्या है, बीच में है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि बीच में, बिटवीन का मतलब क्या है कि बीच में। अब ये एग्जैक्ट दोनों बीच में का मतलब क्या है कि दोनों हाफ हाफ डिस्टेंस पे नहीं, मतलब कि पॉइंट सी है ए और बी के बीच में है। इफ बोथ पी एंड क्यू रीचेज द पॉइंट बी एट द सेम टाइम, दोनों कह रहा है कि बोथ पी और क्यू क्या कर रहे हैं, एट द सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं बी पॉइंट पे, यानी फाइनली इस बी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, सेम टाइम में ही पहुंच रहे हैं। फाइंड देयर स्पीड, तो उनका स्पीड ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन को फिर से आपको समझा देता हूं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है।
ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 600 किलोमीटर। लो मैंने ए और बी के बीच की दूरी क्या मान लिया 600 किलोमीटर, ये ए है और ये क्या है बी है। पी अपनी यात्रा बिंदु ए से 9 बजे, पी जो है पी है कोई वो 9 बजे स्टार्ट करता है। लो जी दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्यू, क्यू जो है वो कितने बजे आरंभ करता है, क्यू जो है 10 बजे आरंभ करता है, उसी बिंदु से अपनी यात्रा आरंभ करता है। 11 बजे क्यू बिंदु सी पर पहुंचता है, लेकिन ठीक है लेकिन वह पाता है कि पी 40 मिनट पहले ही बिंदु सी को पार कर चुका है। बिंदु सी ए और बी के बीच में है। लो जी हमने मान लिया कि यहाँ पे बिंदु सी है, ये पॉइंट क्या है सी का पॉइंट है। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है क्यू सी पॉइंट पे, तो वो पाता है कि यहाँ पे इस पॉइंट को तो पी 40 मिनट, इस पॉइंट पे तो पी तो 40 मिनट पहले ही क्रॉस कर चुका था इसको, और पहुँच कब यात्रा 11 बजे, 11 बजे क्या कर रहा है ये पहुंच रहा है, क्यू पहुंच रहा है सी पॉइंट पे। लो जी ये क्वेश्चन कर रहा है, तो यह पाता है जब यहाँ पहुंचता है तो वो पाता है कि इस पॉइंट पर तो पी क्या है 40 मिनट पहले ही इसको पार कर चुका था, 40 मिनट पहले ही इस पॉइंट को पार कर चुका था, और कर रहा है कि सी ए और बी के बीच में पी और क्यू एक ही साथ, और जब ये फाइनली जो पी क्रॉस करने के बाद यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दोनों क्या हैं पी और क्यू एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे पहुँचते हैं, सेम टाइम पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन ही करें ना, एक ही समय पर पहुँचते हैं बी पॉइंट पे, तो उनकी चाल ज्ञात करो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इनका हमें चाल नहीं पता है, मान लेते हैं इसकी स्पीड क्या है वी टू है और इसकी स्पीड क्या है वी वन है, ठीक है। ये बताओ यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगा, 10 बजे चला था 11 बजे यानी 60 मिनट लगा, 60 मिनट लगा यहाँ तक इसको आने में कितना मिनट लगा 60 मिनट। लेकिन ये देखो यहाँ से 11 बजे, यहाँ पे 11 बज रहा है ना, लेकिन ध्यान से देखो 9 से 11 के बीच कितना हो गया 2 घंटा हो गया, 2 घंटा का मतलब कितना हो गया 120 मिनट, 2 घंटा का मतलब कितना हो गया 120 मिनट, यानी 120 मिनट अगर ये 11 बजे यहाँ पहुँचता पी, अगर यहाँ पी पहुँचता 11 बजे तो 120 मिनट का टाइम लेता, क्योंकि 9 बजे से 11 बजे पहुँचता, लेकिन जब यहाँ सी पहुँचता है तो पाता है कि 40 मिनट क्या कर रहा है पहले ही पी इसको क्रॉस कर चुका था, यानी 40 कम कर लो यानी कितना हो गया 80 मिनट, यानी वो जो पी है इस पॉइंट को कितने देर में क्रॉस कर गया होगा 80 मिनट में। अब ध्यान से देखिएगा टाइम का रेशियो पता चल गया, टाइम का रेशियो कितना है 80 और 60, पी है और ये क्या है क्यू, पी कितना ले रहा है 80 मिनट और क्यू कितना ले रहा है 60 मिनट, टाइम का रेशियो कितना हो गया, अगर मैं काटूं 2 से तो 2 चौके 8, 2 3 6, टाइम का रेशियो इतना हो गया। अब आपको यहाँ पता चला है ना कि फाइनली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों को सेम ही ट्रेवल करना है, आपको बताया था ना कि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टाइम, अगर टाइम ये है तो स्पीड का रेशियो इसके अपोजिट हो जाएगा 3:4। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये तो रहा आपको स्पीड का रेशियो निकल गया। तो हम मान लेते हैं पी की स्पीड कितनी होगी, पी की स्पीड 3x होगी और क्यू की कितनी हो जाएगी 4x, एक्स मान लेते हैं कोई एक फैक्टर। अब ध्यान से देखो फाइनली वो क्या करें, दोनों 600 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो बेसिक से बना लेते हैं। देखो टाइम और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना है सिर्फ 1 घंटे का अंतर है ना, दोनों के बीच का अंतर कितना है, पी और क्यू के खुलने के बीच का अंतर कितना है 1 घंटे का, यात्रा ट्रेवल कितना कर रहा है, दोनों को ट्रेवल कितना करना है 600 किलोमीटर ही, तो 600 डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 600 डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड की बात करूँ इसकी स्पीड की तो कितना है, पी का स्पीड कितना है 3x, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है 600 डिवाइडेड बाय इसका स्पीड कितना है 4x, और दोनों के बीच का अंतर कितना है टाइम का 1 घंटा, यानी -1 = क्या 1। यहां तक क्लियर हो गया, क्यों मैं 1 लिखा हूं, क्योंकि इन दोनों के खुलने का समय कितना है, दोनों के बीच का टाइम का अंतर कितना है इतना, और दोनों को ट्रेवल कितना करना है इतना, एक की स्पीड 3x है दूसरे की स्पीड ये है, तो आप निकाल लो, मैं यहां से कर लेता हूं, ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 1500, यानी कि मैं करूंगा तो अगर एलसीएम लेके करूं तो कितना हो गया 50x = 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 50, अगर x 50 आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि पी जो है पी वाला पर है वो कितना 3x स्पीड है, तो 3 × 50 यानी कितना हो गया
150 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना है स्पीड 4x है, तो 4 × 50 यानी कितना हो गया 200 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन एकदम आसान है, रेशियो मेथड से एकदम आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो, बस आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, और ये मेंस का क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में से पूछा गया था, तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, ए पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ए बी बाई कार एंड रिटर्न बाई बस, ही टेक्स 6 आवर 30 मिनट। क्वेश्चन कर रहा है, कोई एक पर्सन है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, तो किससे ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँच रहा है, ये ए है डिस्टेंस और ये बी है, तो किससे ए पर्सन ट्रैवल ए डिस्टेंस बाई कार, मतलब जाता है कार से, तो टाइम मान लेते हैं टीसी लगा टाइम, और रिटर्न बस यानी आता है किससे, बस का टाइमिंग क्या लिख दिया टीबी, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 आवर 30 मिनट, यानी आने और जाने में टोटल लग रहा है, यानी कि टीसी प्लस टीबी कितना लगा 6 आवर 30 मिनट। ये इक्वेशन वन जो क्वेश्चन कह रहा है, इफ ही ट्रेवल ऑल द डिस्टेंस बाई कार देन ही सेव इतना मिनट। अब कह रहा है ये दोनों डिस्टेंस, ये ए और बी है ना, ये ए है और ये बी है, ये दोनों डिस्टेंस जाते समय भी वो क्या करता, कार से ही जाता, और आते समय भी वो क्या करता, कार से ही आता, तो वो कितना समय बचा लेता, दो घंटा दस मिनट बचा लेता, यानी कि क्या टीसी जाने का टाइम और फिर आने का टाइम, उसी से कार से ही ट्रेवल कर रहा है, तो उस कितना बचा रहा है 2 घंटा 10 मिनट, यानी पहले कितना लग रहा था 6 घंटा 30 मिनट, उसमें से 2 घंटा 10 मिनट बचा ले रहा है, यानी लग कितना रहा है उसको टाइम 4 घंटा 20 मिनट, यानी उसको लग कितना रहा है 4 घंटा 20 मिनट, क्या जब दोनों डिस्टेंस क्या करे कार से ट्रेवल करे आने और जाने का। लेकिन क्वेश्चन फाइंड, अब इससे मैं क्या निकाल लूँ, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ये देखो यहाँ से करूँगा तो 2 TC = कितना हो गया 4 घंटा 20 मिनट, तो TC कितना हो जाएगा, काटूँगा तो TC आ जाएगा 2 घंटा 10 मिनट, अगर यानी कितना टाइम लगा कार से गया तो 2 घंटा 10 मिनट। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, किसी हमसे फाइनली पूछ कह रहा है फाइंड इन हाउ मच टाइम ही विल कवर टोटल डिस्टेंस बाई बस, बस से अगर यही क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ये दोनों डिस्टेंस ए और बी है, ये दोनों डिस्टेंस क्या करे टीबी से जाए और टीवी से वापस आए, मतलब बस से ही जाए और बस से आए, यानी कि 2 TB की हमें वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो टीबी की वैल्यू किससे निकालेंगे, इसमें रख देंगे टीसी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में, तो टीवी निकल जाएगा, तो देखो टीसी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2.10 प्लस टीबी इज इक्वल टू क्या 630, तो टीबी क्या हो गया, टीबी हो गया 630 माइनस क्या 210, 6:30 में से 6 घंटा 30 मिनट में से 2 घंटा 10 मिनट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 घंटा 20 मिनट, यानी कि टीबी की वैल्यू मिल गई हमें। क्वेश्चन क्या करा कि अगर वो दोनों डिस्टेंस जाने टाइम भी बस से जाए और आने टाइम भी बस से आए, तो कितना लगेगा टोटल डिस्टेंस टीबी प्लस टीबी 2 TB, यानी जाने में टीबी और आने में टीबी, टीबी प्लस टीबी 2 TB 2 TB 2 TB 2 TB, 2 मल्टीप्लाई कर दें 2 × 4 घंटा 20 मिनट, यानी कितना हो जाएगा 8 घंटा 40 मिनट लगेगा, क्या लगेगा अगर सारा डिस्टेंस हुआ अगर बस से ही ट्रेवल करे, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। और ये भी क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, और इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता है, आपको कैलकुलेशन करने में भी कोई टाइम नहीं लगता है, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको कॉमनली हर जगह देखने को मिल जाते हैं, रेलवे में भी मिल जाते हैं, आपको CHSL में भी मिल जाते हैं, और प्री एग्जाम में भी पूछा गया है। ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ स्पीड कितना 25 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन कर रहा है कोई ट्रेन है, ट्रेन क्या कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है विदाउट स्टॉपेज, मतलब कोई स्टॉपेज नहीं है, मान लो कि यहाँ से यहाँ विदाउट स्टॉपेज क्या कर रहा है ट्रेन, क्या कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कोई रुकावट नहीं है जाने में, ठीक है। आगे कर रहा है विथ स्टॉपेज इट कवर द सेम डिस्टेंस विथ एवरेज स्पीड, अगर वो क्या कर रहा है स्टॉप करते हुए बीच बीच में ब्रेक लेते हुए जाए
तब वो किस स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड है, ये क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हाउ मच टाइम इट स्टॉप इन वन आवर, एक घंटे में वो कितना स्टॉप करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक घंटे में वो कितना स्टॉप, कितनी बार स्टॉप करेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रख लेना, जो आपको देखो टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला से भी सोच सकते हो, टाइम निकालना है कि कितने टाइम रुकेगा, तो वो उसको डायरेक्ट बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं, विदाउट स्टॉपेज माइनस, विदाउट स्टॉपेज स्पीड माइनस विथ स्टॉपेज स्पीड, विथ स्टॉपेज स्पीड डिवाइडेड बाई क्या, विदाउट स्टॉपेज, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज स्पीड। तो ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो विदाउट स्टॉपेज कितना चल रहा है 25 माइनस विथ स्टॉपेज कितना चल रहा है 20 डिवाइडेड बाई एक्चुअल स्पीड कितना है 25। तो लो जी बस इसको ऐसे निकाल लेते हैं कि कितना हो गया 5/25, 5/25 यानी कितना हो गया ये 1/5 क्या आ गया आवर, आवर आ गया। इसको अगर मैं बात करूं एक घंटे की बात बोला जा रहा है ना, 1.5 आवर, अगर इसको मैं आवर को क्या करूं निकाल दूं मल्टीप्लाई कर दूं 60 से तो कितना हो जाएगा 12 मिनट, यानी वो एक घंटे में कितने मिनट स्टॉपेज करेगा वो 12 मिनट की। हाउ मेनी टाइम इट स्टॉप इच आवर, एक एक घंटे में वो कितने मीटर मिनट स्टॉप करेगा, 12 मिनट स्टॉप करता हुआ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो ये तो फार्मूला है, लेकिन फार्मूला विदाउट फार्मूला भी हम ऐसे क्वेश्चन को सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या सोच सकते हैं, ध्यान से देखो, विथ स्टॉपेज कितना जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर, और विदाउट स्टॉपेज ये क्या है, बिना रुके, बिना रुके, लेकिन अगर रुक रहा है स्टॉपेज विथ स्टॉपेज तो वो किस 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, यानी एक आवर में वो कितना किलोमीटर की गैप कर रहा है, कितना किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का गैप हो रहा है। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस, 5 किलोमीटर का गैप है किस पे, एक्चुअल स्पीड पे, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक्चुअल स्पीड कितना था 25, ये तो रहा कितना आवर्स, अगर इसको मैं कर दूं 5/25 इनटू आवर्स को क्या कर दूं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं मिनट में, तो 5 और ये कितना हो गया 12, यानी एक घंटे में वो क्या करेगा 12 मिनट का स्टॉपेज डालेगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ इतना स्पीड बट इट रिटर्न विथ सम स्टॉपेज एंड एवरेज स्पीड विल बी 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन देन फाइंड हाउ मच टाइम इट स्टॉप इच वन आवर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, लेकिन वह कुछ ठहराव के साथ वापस आता है, तो औसत चाल कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। तो ज्ञात कीजिए कि यह प्रत्येक घंटा कितनी दूर, सेम वही चीज है कि विदाउट स्टॉपेज वो कितना 44 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, लेकिन जब वो स्टॉपेज करते हुए आ रहा है, रुकते हुए विदाउट स्टॉपेज है ना, विदाउट स्टॉपेज, लेकिन विथ स्टॉपेज मतलब रुकते हुए आ रहा है तो कितना 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक घंटे की बात करूं, एक आवर में अगर मैं बात करूं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 54 में से 45 घट जाएगा। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, बस यही चीज आपको सोचना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में वो कितना 9 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो यानी कि टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना उसने एक घंटे में वो कितना कम दूरी, अगर रुकते हुए आ रहा है तो कितना किलोमीटर एक घंटे में रुक रहा, कम दूरी तय कर पा रहा है 9 किलोमीटर, और कितने में से एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी है, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल सा चीज है, एक घंटे में वो कितना किलोमीटर रुकते हुए आ रहा है, कम आ रहा है 9 किलोमीटर, और कितने में से 54, क्योंकि स्पीड कितनी है एक्चुअल 54, तो ये कितना हो गया 1/6, 1/6 क्या हो गया आवर, अगर मिनट की बात करें तो 1/6 इंटू क्या 60 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक घंटे में पूछ रहा है कितनी बार रुकेगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10 मिनट की स्टॉपेज करते हुए एवरी घंटे 10 मिनट रुकेगा, तो अपनी यात्रा एवरेज स्पीड कितना 45 किलोमीटर पर से है।
याद रख रहे हो। तो ये रहा आपको प्री के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए नॉर्मली आपको रेलवे में भी मिल जाते हैं, एलडीसी के पेपर में भी मिल जाते हैं और आपको प्री एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये मेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इतनी ईजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं, आपकी इंप्रूवमेंट हो रही कि नहीं और मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर मज़ा आने लगे ना मैथ में तो सारे मेंस के क्वेश्चन भी आप बना लोगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।